सबसे पहले हैप्पी बर्थडे भैया, साहिल बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नंबर शुक्र दोस्त का नंबर उनको ले रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू हाँ भैया, भैया क्या देता है? सीधा ऐसा ठीक उनका फोन है, ले लिया उसे ले देना, या पैकेट में है आपका फोन, भैया का फोन है। हाँ हाँ बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप दे रहे हैं ना चंदन जी, बोले हम बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप जियो हजारों साल। हम लोग पर जाओ थोड़ा सा, अपना फोन वाला इधर घुमाइए थोड़ा सा, देख सकते हैं विनोद जी। रुका एक मिनट, लाइन में पर भैया बीच में चले जाइए, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। शेयर कर दो ना बादम से हमारे कटिया काफी यार बात करवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीलम नारायण हुआ और अभी हमारे देखिए भोजपुरी के बहुत कम ही ऐसे स्टार होते हैं जो बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाते हैं। आपको कैसा लग रहा है बच्चों के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिन आए थे आप आ जाए और सबका मालिक राम है। बच्चे तो आपके लिए एक बर्थडे भी वाला गाना सुना, आप लोग एक बार फिर से इनके लिए वो वाला गाना सुना दीजिए जो अभी गा रहे थे आप लोग। माता जी भी हैं उधर, भाभी जी भी हैं, सबसे बात करेंगे। बैठिए, नहीं नहीं गरीब बैठिए, गरीब बैठ जाते हैं। राहुल भैया, ठीक है, वीडियो वीडियो करना होता है इधर आइए फुल दोबारा इसे घुमाते निकाल है। स्टार न्यूज कहाँ है? स्टार न्यूज रखो। और कोई माइक है तो रख दीजिए, आगे से नहीं हटे माइक। अरे गोली लगा लो और ये रिकॉर्ड होता कर ना, रिकॉर्ड होता डायरेक्टली करो। साइट पर कंटेंट लिखा बात राहुल भैया अपना फोन लाइएगा थोड़ा सा। ये तो लगता है रजिस्टर दोनों तरफ। हाँ थोड़ा सा चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाए। आ रहा भाई।
चलिए प्रिंसिपल भाई। हाँ पहले तो गुंजन भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहिए और 2024 आपका खास रहे और भगवान करे कि 2024 में आप सांसद भी बन जाए। क्या कहिएगा जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप बच्चों के साथ केक काटे, इतना प्यार बच्चे आपको दिए, क्या कहिएगा बच्चों के बारे में और कैसा लगा आप सेलिब्रेट करके बच्चों? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बार तो जन्मदिन मना है बहुत 5-star होटल में जी, लेकिन इस बार यहाँ मना करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि असहाय बच्चों के साथ मना रहे हैं। ऐसे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं जो समझिए जिनको रखने के लिए छत नहीं होता। तो हाँ तो बात है अभी भैया के फोन से लाइव कर रहे हैं, भैया के फोन वहाँ से लाइव कर रहे हैं, उनसे बात की, हम सोचे कि यहीं पे मनाएं और हमारे तरफ से भी आज कुछ डोनेशन रहेगा जो इन बच्चों के भविष्य में काम आएगा। कितना डोनेशन दे रहे हैं सर? आज 21,000 रुपये दे रहे हैं और भी आगे जितना होगा मदद करेंगे। और देखिए रहे बच्चे इतने अच्छे हैं, सब कोई 8 साल से कोई 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे इन लोग सब देखते हैं, मैम है जो संस्था चलाती है, प्लस सारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, जो बनना चाहते हैं इन लोग बन जाए। क्योंकि आप लोग देखते होंगे भैया, ये बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उसको लोग बोरा में बांध के तक कहाँ कहाँ फेंक दे जी, समझ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कैसा कार्य न करें, और इनमें से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बनना चाहते हैं गायक, एक दिन हम आए थे तो बोले कि मुझे गाना गाना है, गाना गायक बनना चाहते हैं, तो हम बोले चला एक गाना हमारा तरफ से रहेगा भाई, बाकी तो हर भगवान जाने, बाकी जो बनना चाहते हैं, कोई फोर्स में जाना चाहती हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहती हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहती हैं, तो ज़रूर बने, भगवान से मिली मतलब प्रार्थना करते हैं। ऐसे बच्चे तो एकदम जरूर से जरूर बने, इनका तो रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो ऐसे के लिए ये संस्था है। तो बच्चों को आप गाने का मौका देंगे अपने तरफ से? एकदम एकदम जरूर 100%। आज आपका जन्मदिन है, मगही से लेकर भोजपुरी में हर तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, फैंस केक काट रहे हैं, क्या कहिएगा? मतलब मगही के तो आपसे बड़ा कोई स्टार नहीं है, भोजपुरी की बात किया जाए तो लगातार हर जगह से बधाइयों का तांता लगा हुआ है, कितना खुशी महसूस हो रहा है, क्या कहिएगा इसको लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है पूरा, मतलब हर जगह से लोग बधाई दे रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कॉल करके, चाहे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके, पूरा बधाई बधाई। और भी है कि 25 जनवरी को नवादा में जी। नवादा के हिसुआ में हाई स्कूल के ग्राउंड में 1 बजे दिन में जन्मदिन मनाया जाएगा 25 जनवरी को, जिसमें पावर स्टार बड़े भैया पवन सिंह जी भी आ रहे हैं जी। तो वहाँ भी अपना जिला में भी मनल जरूरी ना है, एकदम एकदम वहाँ भी गर्दा उड़ावल जाए। तो 25 जनवरी को सब लोग को सूचना ये दे रहे हैं, सब भाई लोग हमारे जहाँ भी रहे वहाँ पहुँच जाए, और आप लोग भी तमाम मीडिया वहाँ जरूर उपस्थित रहे। भैया कंट्रोल ही नहीं होगा भीड़, कंट्रोल नहीं होगा तो अनकंट्रोल तो होने हैं, देर करते आने। पवन सिंह और कुंजन सिंह यहाँ जाएगा तो फिर आंधी तो आना ही है, और जनता जनार्दन सब अपना चाहने वाले जो हैं, क्योंकि ये वीडियो सब चढ़ेगा तो जान रहे हैं कितना कितना पब्लिक देखेगा, फिर तो आपके घर पे बहुत भीड़ लग जाएगा एकदम। उस दिन वहाँ केक कटेगा नवादा के सब में बटेगा, सोच लीजिए बटालियन बुलाना पड़ेगा सारा फोर्स का व्यवस्था है, और मेरा जनता जनार्दन ही सब फोर्स सब तैयार है, नवादा के लोग हमारे गार्जियन सब। दिन में 1 बजे, दिन में 1 बजे 25 जनवरी को हिसुआ के हाई स्कूल के ग्राउंड में। अच्छा, वहाँ पे साथ में पावर स्टार पवन सिंह जी भी आएंगे? हाँ। क्या आज आपकी पावर स्टार पवन सिंह से बात हुई? क्योंकि अक्सर आपके सोशल मीडिया पे उनके साथ के फोटेज वीडियोज ट्रेंड करते रहते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा आपके लिए आज? तो रात ही फोन कर दिए थे 12:20। अच्छा, फोन भैया रात को ही बधाई दी है? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, पूरे परिवार के साथ हैं, भाभी भी हैं, भाभी क्या कहना चाहेंगे भैया के ऊपर? भाभी से एक सवाल, आप भैया जी को क्या गिफ्ट दिए?
आज आपके से क्या कुछ विशेष बनवाई है, वो दिखा सकती हैं जो गिफ्ट आपने दिया है। थोड़ा सा दिखाइए, सोशल मीडिया पे पूरा फोटो वायरल हो रहा है, ये देख सकते हैं। यही गिफ्ट है जो सब दिन रहेगा साथ में। वाह बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं भाभी ने बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है भैया। उसको बनवाने में दर्द कितना हुआ है भैया, परेशान नहीं करते है ना? नहीं बिल्कुल। ये सब जो है टैटू उटू जो है कितना हार्ड वर्क है, सही बात। हम जानते तो कभी बोलते ही नहीं कि टैटू उटू बनवा। अच्छा था कि हम ऐसा मतलब ये गिफ्ट दे तो सोची कि हम बहुत खुश हो जाएंगे टैटू पर। अच्छा अच्छा, अब इससे बड़ा क्या होगा, मतलब आपको बिना बताए बनवाए है ना। और हम देखे तो हमको ये दुख हुआ, ये नहीं हुआ कि दुख की क्यों बनवाई, बनवाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कितना दुखा होगा। सही बात। अरे वाह, माता जी आपको कैसा लग रहा है, आपके पुत्र हैं और अभी इतना नाम कमा चुके हैं ये, तो कोई भी आपसे मिलते होंगे तो इनके बारे में बातें होती होंगी, कैसा लगता होगा आपको? बहुत खुश। चलिए बहुत अच्छा। भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लाखों करोड़ों बर्थडे में खर्च कर देते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको भी सारी चीजें करनी चाहिए, स्टेप लेना चाहिए? जरूर है, बाकी सबका अपना अपना इच्छा था। सही बात। अब हम किसी को क्या बताएं, मेरा इच्छा था कि ऐसा करें और वहाँ भी मनते रहता है, बड़ा तरीके से भी मनता है, बड़े लेवल पे भी, तो फिर प्लान हो रहा था कुछ ऐसा ही, लेकिन मन हुआ कि कुछ ऐसे किया जाए, क्योंकि वृद्धाश्रम भी हम जाते रहते हैं, चाहे कोई भी ऐसा जगह हो, जो कम्बल वितरण अभी हाल ही में हम किए ठंड में। चाहेंगे सर कि अपने फैंस को अपने गाने के माध्यम से थैंक्स बोल दिया जाए। एक गाना सुना के डेट कट कर दीजिए। राम आए हैं जो गाना लाए हैं आप, एक और ग्लोबल म्यूजिक से बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा गाना है, वही गाना अगर याद हो तो सुना दीजिए। हर कोयल कुहु कुहु गाओ, अपपिहा पिहु पिहु गाओ, कोयल कुहु कुहु गाओ, पपिहा पिहु पिहु गाओ, राजाओं के राजा महाराजा आए हैं, राम आए हैं सिया राम आए हैं, वाह राम आए हैं सिया राम आए हैं, राम आए हैं बजाओ ढोली ढोल बजाओ, घर घर दीप जलाओ, राम आए हैं सिया राम आए हैं, राम आए हैं सिया राम आए हैं। अब इससे बड़ा खुशी का बात क्या हो सकता है, दो दिन बाद श्री राम भगवान का आगमन अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या जाने वाले हैं कि नहीं भैया? जाएंगे अयोध्या, अभी तो मोदी जी बोले हैं कि थोड़ा धीरे 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 आइए, एक बार लोग कह दिए कि आ जाओ तो अयोध्या में जगह रहेगा। हो सही बात, पूरा देश है, लंदन से लोग अंग्रेजी में बोलते बोलते एक बार राम जी को देखने आए। सही बात, क्योंकि सबका मालिक राम, राम आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा भैया। उन लोगों को क्या करना चाहिए कि राम जी को अब मंदिर बना उसमें बोल रहे हैं, कुछ मूर्ख लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, आपने राम के बदनाम किया जा रहा है अपने जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है उसके कारण। सवाल सही, थोड़ा बोले वाला बोले ना, सबके दिल में राम बसते हैं, वो एक के थोड़े हैं, वो सबके हैं राम, इसमें कोई पॉलिटिक्स काम नहीं करेगा, एक ना एक दिन उनके शरण में जाना ही पड़ेगा। चलिए एक बार जय श्री राम, आपको हैप्पी बर्थडे दिल से भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जी टैटू भैया भैया इधर 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 सामने ऐसे कर दीजिए। हाँ यस सर, चलिए बहुत अच्छा। Thank you.
सारे बच्चे आज रवि रवि राहुल जा किधर गए चलने का? अच्छा लाइव कर रहे हैं लाइव नहीं मोबाइल में कर रहे का है आप वीडियो की तरह से नाम पसंद करते हैं भैया हाँ अनाथ बच्चों के साथ मिलकर जन्मदिन मनाया फिर से प्रेजेंट दोबारा चला यार मोबाइल लेजर आ गया अच्छा रख ठीक है बाद में करते हैं फोन बाद में पक्का शीत भैया थोड़ा सा इधर आइएगा भैया थोड़ा सा इधर आइएगा राहुल फोटो हुआ नहीं खिंचा फोटो हुआ खिंचा लीजिएगा कोई बात नहीं हम अरे हम जाना बड़ी भारी लफन फड़ा दिले थोड़ा साइड हो जाए तो लाइव क्यों हुआ है इधर से आइए ना आराम से पास आ जाए हम पे लाए बात तो सब चारों तरफ घुमा के लो बोल रहा है कि खाली जब फोकस करो पटौवा खिंचा लगे राम भगवान के कभी आगमन हो गए 22 जनवरी पूरा देश जान रहा है एक गाना हम गाए थे दो गाना इस बार राम भगवान प्रेम का उसमें से एक गाना ये
कि हर के दुख तमाम है, सबका मालिक राम है। कि हर के दुख तमाम है, सबका मालिक राम है। मन कीर्तन करत सुबह शाम बसे राम है, मेरे दिल में बसे राम है। सबका मालिक राम है, ना किंतु परंतु ना कोई जात ना कोई पात, भगवान बोले वाला को बोले राम भगवान से डर ना है काके, गरमा जे राम भगवान तुझे, इसलिए सबको उनके शरण में जाना पड़ेगा। जाएंगे ही लोग, सब लोग जाते हैं, इसी बोलते हैं रजनीश के लिए लोग बोल देते हैं, दिल में सबके राम भगवान ऐसे बोल देते हैं। रजनीश में आदमी कुछ भी बोलते रहता है, लेकिन अंदर देखो ना तो राम भगवान वहाँ से कुछ आ गया। क्या लग रहा है समय बताएगा, हम राम भक्त हैं तो कने जाएंगे। अब राम भगवान की जो सेवा करेगा, जो राम जी के साथ चलने वाले हैं उधर न रहेंगे, अब इसमें आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिया, जय हो, जय श्री राम। हमारे साथ बच्चे लोग उधर है, उधर तो एक फोटो लगे जाए, लाइव हो रहा है, अलग अलग फोटो लाइव हमारा लाइव जा रहा है, लाइव है और यहाँ गुंजन सिंह डांस के साथ स्टार्ट बनाते हुए बोलिए ठीक 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 अनिता बच्ची जो बुनियादी जरूरत है